में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां शासन प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर ली है, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी चुनाव को देखते ही अपनी तैयारियां की हैं। आपको बता दें, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों के लिए 1200 हेल्थ किट बनाकर तैयार की गई है। अफसरों के मुताबिक ये हेल्थ किट हर बूथ भेजी जाएगी। पौड़ी CMO डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि आयोग की SOP के तहत काम शुरू किया गया है। इसके लिए एक नोडल अफसर भी तैनात किया गया है। स्वीप गतिविधियों को लेकर ब्लॉकवार ANM सेंटरों की लिस्ट बनाई जा रही है। इनमें जल्द ही वोटर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। देखिए, हर चुनाव में स्वास्थ्य विभाग का भी एक अहम रोल रहता है, इस बार भी है। तो हम लोगों को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि एक तो उनके जितने भी बूथ हैं उसके आधार पर उन्होंने हमसे 1200 मेडिसिन किट की डिमांड की है। तो उसमें सभी जो जीवन रक्षक दवाइयाँ लगभग उपलब्ध हैं, सामान्य जो बीमारियाँ हो सकती हैं उस समय वहाँ बूथ पे, उनकी सभी दवाइयाँ उसमें उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ हमारे द्वारा बिल्कुल जितने भी हमारे निजी चिकित्सालय हैं उन सबको आदेश दे दिए गए हैं कि वहाँ पे दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में रखें और उस दौरान कोई भी वहाँ का जो कर्मचारी है वो अवकाश पर नहीं जाएगा। अपरिहार्य परिस्थिति में यदि किसी को जाना ही है तो बिना मेरी अनुमति नहीं जाएगा, हम वहाँ पे कोई व्यवस्था करेंगे तभी वो जा पाएगा। तो इसी प्रकार से हमने 1200 किटें भी जो है बना करके वो हमारे पास बिल्कुल तैयार है और प्रशासन से हमने बात भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपसे उठवा लेंगे। तो वो हमारी बिल्कुल तैयारी है पूरी की पूरी। सारे हमारे अस्पताल में दवाइयों का पर्याप्त मात्रा में भंडार है। उस समय छुट्टियों पर हमने रोक लगा दी गई है। हमारी जितनी एम्बुलेंस है 108, उन सबको भी अलर्ट मोड पे रखा जाएगा। और साथ ही साथ सर्वप्रथम इस बार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में हमने जो हमारी एयर एम्बुलेंस होती है या एयर लिफ्ट करने वाली बात है, अगर कोई ऐसा गंभीर रोगी होता है जिसका उपचार यहाँ संभव ना हो तो उनके लिए उनको हेली सेवा देने की भी बात इस बार सर्वप्रथम की गई है। तो जितने भी बूथ हैं उन बूथ के पास कौन सा नज़दीक हमारा चिकित्सालय रहेगा जहाँ पे उसको उपचार के लिए ले जाया जा सके, और यदि एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से नज़दीकी हेलीपैड कहाँ बनाया जा सकता है, प्रशासन के सहयोग से हम लोग ये